बस कुछ ही देर में दोनों केमिकल मिलने वाला है और इस पाउडर से मिलाकर इसको मिलाया जाता है बिल्कुल केमिकल को। और इसमें मैं बता दूं, जो रंग दिया हुआ वो बिल्कुल पीला का, तो दोनों गावा मिलने के बाद पीला ही बनेगा। तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक नया डिजाइन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट को तो दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये गावा जो आपको दिख रहा है बिल्कुल पीला बन चुका है। और अब बारी आती है, मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल ये आज का जो डिजाइन है बिल्कुल 7 नंबर के ऊपर है। तो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से ये मेटल दिखा दे रहा हूँ। जो ये मेटल जो है ये सीप का है, जो आपको मैं बता दूँ इसे कचकड़ा भी बोल सकते हैं। और प्लास्टिक से ये बिल्कुल बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल प्लास्टिक का मेटल है। इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा केमिकल को। तो सबसे पहले केमिकल को इस तरीके से बेल लिया जाता है और बेलने के बाद इसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है केमिकल। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से बिल्कुल चढ़ाया जाता है केमिकल। और केमिकल चढ़ाने के बाद इसमें अब आएगी बारी जो है सबसे पहले चैन चढ़ने की। तो मैं आपको बता दूं, जो सिकड़ी चैन होता है तो वही इसमें चढ़ेगा। और चलते हैं देखते हैं कैसे वो चैन चढ़ता है। तो आपको एक बार दिखा दूँ वो चैन में, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का होता है सिकड़ी चैन। तो लगेगा अभी इसमें, तो चलते हैं डायरेक्ट पीस को लगा कर दिखाते हैं आपको। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं बिल्कुल 7 लाइन के ऊपर सिकड़ी चैन चढ़ाया जा रहा है। और चैन चढ़ाने के बाद जो है इसमें कुछ कारीगरी है वो भी आपको बताएंगे। तो इस कतिया द्वारा से काट लिया जाता है सबसे पहले। तो काटने के बाद ये अब दूसरी तरफ लगाने की बारी आती है, तो वो भी दिखाएंगे। दूसरी तरफ लगने ही जा रहा है चैन, तो कुछ देर में लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं अब आएगी बारी काटने की कतिया से, तो इसे भी काट लिया जा रहा है। तो ये देखिए एक कटर है, उससे काट लिया गया है। और बिल्कुल जो आपको मैं पीस दिखाने जा रहा हूँ, अब ये समझ लीजिए एक स्टेप जो है इसमें हो चुका है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का सबसे पहले बन जाता है हमारे यहाँ, सबसे पहले इस तरीके का चैन बन जाता है। अब बारी आती है एक एक पीस, ये दिल जो है आपको मैं बता दूँ, शीशा का जो दिल है, ये जो दिल है ये लगाया जाएगा। आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ, ये शीशा का दिल है, तो इस पीस में लगाया जाएगा, 6 घर बना जाएगा। तो देखिए इस तरीके से 6 घर बना लीजिएगा आप लोग भी। और इसके बाद जो आती है बारी, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, कुछ नगीने दिख रहा है और प्लास्टिक का सामान दिख रहा है, ये सब मिलाकर आज बनने जा रहा है एक नया डिज़ाइन। तो ये देख सकते हैं, तो सबसे पहले एक दिल ऐसे लगा लेंगे, मतलब जितने ये लाइन दिख रहे हैं ना आपको, ये जो सीधा सीधा लाइन दिख रहा है इसके ऊपर लगा लिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं अभी तक मैंने 6 का 6 लगा चुका हूँ। और अब बारी आती है ये जो लाल फिगर है ये लगाने का, तो बिल्कुल इस तरीके से लगाया जाएगा ये लाल का फिगर। और लाल का फिगर लगने के बाद मतलब कि पूरा ये जो पीस बनने जा रहा है ये बिल्कुल लाल ही के ऊपर बनने वाला है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से लगाया जाता है, एक एक लगा सकते हैं आप चिमटी से उठाकर। और उसके बाद ये जो नगीने वो भी लगेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा देखते रहिए, जब भी कुछ समझ में आने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। तो इस तरीके से बिल्कुल बना दिया जाता है। और अब बारी आती है फिगर लगाने की, जो ये फिगर जो अब मैं आपको बता दूं, बिंदी की तरह फिगर जो है ये लगेगा। तो देखिए आप इसको भी देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। तो ये भी एक एक पीस उठाकर इस तरीके से लगा देना, सबसे पहले नीचे का जो लाइन होता है ना वो पूरा भर देना, उसके बाद मतलब ये 2 लाइन लगने वाला है इस डिजाइन में। तो 2 लाइन लगेगा इस डिजाइन में, उसके बाद जो है नगीने लगेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से लगेगा, एक लाइन मैंने लगा दिया है, अब दूसरी लाइन भी बहुत जल्दी लगा देंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको पास से दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ये जो बिंदी है यही लग रहा है। तो इस तरीके से लगेगा बिंदी, दूसरी लाइन जो बिल्कुल सीधा सीधा लगा दिया गया है। तो अब बारी आएगी इसके बाद ये नगीने लगाने की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी छोटे नगीने हैं। तो जब तक कि ये फिगर लग रहा है और नगीने लग रहा है, तो वीडियो को आप एक लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी लाइक कीजिए। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का जो बटन होता है उसे दबा के ऑन कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए और आप एक नया डिज़ाइन देख पाएँ बिल्कुल बनते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी मेहनत से बन रहा है फ्रेंड, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिए मेरे को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया, बिल्कुल ये नगीने लग गया। अब बारी आती है फ्रेंड इसमें जो जरी लगाने की, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये गोल्डन का जरी है बिल्कुल, जो सीप का माल होता है, प्लास्टिक का माल होता है, कचकाड़े का माल होता है फ्रेंड, वो बिल्कुल आपको मैं बता दूँ वो गोल्डन ही जरी में ज़्यादा बनता है। तो इसमें गोल्डन ही जरी लगा दे रहे हैं और लगाने के बाद इसकी पॉलिश होगी और पॉलिश होने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसकी धुलाई भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से शीप की चूड़ी को तैयार किया जाता है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आशा करूँगा आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर दिन आपको एक नया डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा इसी चैनल पर। और बेल आइकन को कर लीजिएगा ऑन ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, जब तक के लिए बाय।